अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद इकराम और आप देख रहे हैं इकराम स्टूडियो टीवी। इकराम स्टूडियो में आपका खुशामदीन। आज का लेक्चर चाइनी लैंग्वेज, इसमें हम आपको दिनों के नाम बताएंगे। चाइनी लैंग्वेज आज पाकिस्तान का दुनिया का एक ब्रांड लैंग्वेज बनने जा रही है। देखें कि इंटरनेशनल लेवल पर आज इंग्लिश का बोली जा रही है और आस्ते आस्ते चाइनी इतना सक्सेसफुल होते जा रहे हैं कि वो चाइनी लैंग्वेज में ही अपने साथ कुछ ट्रांसलेशन करेंगे। तो चाइनी लैंग्वेज में हम आज को आपको बताएंगे कि दिनों के नाम कैसे पढ़े जाते हैं। सोमवार, सोमवार को चाइनी लैंग्वेज में कहते हैं शिंग ची ई, मतलब तीन लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं, शिंग ची ई। और फिर आता है मंगल, मंगल को कहते हैं शिंग ची, मतलब ये दो लफ्ज़ बाद में पहले वाले में 12 इस्तेमाल होंगे और आखिर में आर आर का इस्तेमाल किया जाएगा, ये मंगल होगा, मतलब छिन छी आर। तो आगे बुध है, बुध को कहते हैं, ये आएगा छिन छी सान, तो नुक्तो वाला छी नहीं आएगा, नून आएगा। आगे जुमेरात, जुमेरात में फिर वही दो लफ्ज़ बाद के पहले पहले इस्तेमाल किए जाएंगे, छिन छी छिन छी सी सी आएगी एंड पे, और ये बुध होगा, जुमेरात होगी। आगे आए जुमा, जुमे में वो ही फिर दो लफ्ज़ दोहराए जाएंगे, छिन छी और आखिर में वो दुआ, दाल वाव के ऊपर खबर आएगी। तो आगे आ गया हफ्ता, हफ्ते के बाद वही छिन छी लियो। तो फिर आ जाएगा एतवार, एतवार में फिर वो आखिरी दिन होगा हफ्ते का और इसमें वही दो लफ्ज़ बाद में दोहराए जाएंगे, छिन छी और आखिर में थयान का इस्तेमाल किया जाएगा। ये आखिर की जो दो लफ्ज़ होते हैं, आखिरी ये लफ्ज़ हैं, वो बदल जाएंगे और एंड वाले पहले वाले दो लफ्ज़ हैं वो वैसे ही इस्तेमाल होते हैं। थैंक यू।